मैं आज जब तमिलनाडु की गहराई में जाता हूं तो ध्यान में आता है कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं। राजस्थान गुजरात जैसे प्रदेश सदियों से पानी के अभाव में जिए हैं, उन्होंने अपने रास्ते खोजे हैं, लेकिन आज भी देश के कई प्रदेश हैं उनके लिए भारत सरकार ने गंभीरता से सोच करके समस्याओं का समाधान करना होगा और एक लंबी योजना से करना होगा। और इसलिए हमने सोचा है कि देश में पहली बार जल की बात करता हूं तो जल भी पी लेता हूं, हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। जिस उमंग और उत्साह के साथ सपनों के साथ चल पड़ा है, जो काम 50, 55, 60 के कालखंड में होना चाहिए था वो मुझे 2014 से 19 के बीच में करना पड़ा है, लेकिन उसके अनुभव के आधार पर, उस सफलता के आधार पर इस बार हमने पहले आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर के शासन चलाया, अब सामान्य मानवी की आकांक्षाओं को लेकर के हम क्या कर सकते हैं उसको घोषणा पत्र में लेके आए। भारत को भी विकास के लिए, विकास को जन आंदोलन बनाना, और एक सफल प्रयोग आप देख सकते हैं स्वच्छता। हमारे देश में पहले हम गंदगी की चर्चा करते थे, गंदगी के विषय में हर बार खबरें भी आती थी, बातें भी आती थी, सब होता था, लेकिन पिछले 5 साल में स्वच्छता की चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन स्वच्छता की चर्चा करते करते हमने गंदगी को एड्रेस किया, यानी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाते बढ़ाते नेगेटिविटी को खत्म किया। और इसमें मुझे देश के सभी मीडिया हाउस की मदद मिली, मैं आज उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देश की युवा पीढ़ी की मदद मिली और वो जन आंदोलन बन गया। स्वच्छता के लिए कोई सरकार अपने खाते में सफलता का दावा नहीं कर सकती है, जन आंदोलन बना। जब जन आंदोलन बनता है तो कितनी बड़ी सफलता मिलती है, और इसलिए हम विकास को जन आंदोलन बनाने की दिशा में केंद्र से विचार लेकर के चलना चाहते हैं। ये भी सही है कि आखिरकार गरीबी से लड़ना है